हेलो फ्रेंड वेलकम टू एन के हेल्प ऑफिशियल तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जो है बी एड फोर्थ सेमेस्टर का जो है सी सी वन का इंपॉर्टेंट जो है सजेशन वाला क्वेश्चन लेकर के हम आ चुके हैं आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट जो भी सजेशन हो सकता है यहाँ से लेकर के आ चुके हैं उसका पी भी आपको यहाँ पे मिलेगा देख सकते हैं विद पी के साथ सी सी का देख सकते हैं सी सी का सब्जेक्ट आपका होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का तो यहाँ पे देख सकते हैं हंड्रेड क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को एग्जाम हॉल में मिलने वाला है इतना आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले चैनल पर पहली बार ही तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ जाइएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Okay. <laughs> फ्रेड यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली आप सबके रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे सजेशन इंपॉर्टेंट लेकर के आ चुके हैं जो कि यहाँ पे हम सी सन का देने वाले उसके बाद सी टू का सी थ्री इस तरह से करके सी फोर का ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो होगा हम ई का देंगे एनवायरमेंटल स्टडी का ठीक है पर्यावरण का ठीक है यहाँ पे, तो पे देख सकते हैं तो फ्रेड यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हम जो है सी का पूरा जो है सजेशन आपको देने वाले तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पी का फॉर्मेट रहने वाले तो हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक है यहाँ से आप पी में क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेगा जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सेक्शन वन में जो है आपको चौदह क्वेश्चन रहते हैं

कर्म पर प्रकाश डालिए तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एरर इसमें थोड़ा सा हो गया हालांकि हम पीडीएफ में इसको ठीक कर देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जीवन कौशल से आप क्या आपका क्या तत्पर है जीवन में इसकी उपयोगिता को सिद्ध करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आठ नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि पाठ्यक्रम विकास में जेंडर और समानताओं की विवेचना करना है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद नौ नंबर देख सकते हैं कि आपका जो है समाज में महिला सशक्तिकरण की भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि वुमेन इंपावरमेंट पर ठीक है देख सकते हैं उसके बाद दस नंबर देख क्षेत्रीय से आप क्या ग्यारह नंबर जेंडर के कुछ मामलों को बताइए जिन पर चिंता करने की जरूरत है ठीक है जेंडर में लिंग के कुछ जो यहाँ पे, है, पे, तो पे देख सकते हैं मामले है जिसपे चिंता करने की जरूरत है उसको बताना तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं तो फ्रेंड बारह नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक और परामर्श से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है ठीक है इस तरह से इस तरह से करके आपको तेरह नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यौन या सेक्स शिक्षा से आप क्या समझते हैं भारत में जो है सेक्स शिक्षा को समझाइए तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्स शिक्षा उसके बाद हो गया उसके बाद देख सकते हैं कि चौदह नंबर यानी कि लास्ट नंबर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका चौदह नंबर देखें शिक्षा द्वारा लिंग भेद को कैसे दूर किया जा सकता है शिक्षा द्वारा लिंग भेद को कैसे दूर किया जा सकता है तो उसके बारे में बताना है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है शॉर्ट टाइप का हो शुरू होता है सेक्शन बी यानी कि लॉन्ग टाइप का जो होता है, आपको यहां से बता लॉन्ग टाइम का आपको देना है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दस नंबर दिए जाएंगे ठीक? और शॉर्ट में पांच नंबर मिलता है के अब आपको पता ही होगा, आप यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने है, ठीक? तो यहां पे देख चार क्वेश्चन में से आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे आंसर की बात करें चार से पांच वर्ड्स में इसका आंसर देना है अगर पेज की बात करें तो चार से पांच पेज में आंसर लिख के आना है आपको कम से कम ठीक है तो यहाँ पे हैं पंद्रह नंबर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति भेद भाव मिटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का वर्णन करें उसके बाद यहां पे देख सकते हैं चुनौती यहां पे देख सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में जनसंचार की भूमिका का आकलन करना है उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि सत्रह नंबर आपका क्वेश्चन आता है यौन शिक्षा से आप क्या समझते हैं यौन शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करें उसके बाद आगे देख सकते हैं कि अठारह नंबर क्वेश्चन लिंग असमानता की चुनौती में परिवार जाति धर्म संस्कृति एवं राज्य की भूमिका का वर्णन करना है तो यहां पे देख सकते हैं कि थैंक यू एंड के ऑफिशियल की तरफ से ये आपका क्वेश्चन दी एंड होता है तो फ्रेंड यहाँ से बता दें इसका आंसर यहां से आप बात करें आंसर और पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं तो फ्रेंड बता दें कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जो है आपके पास कोई भी ट्वेंटी ट्वेंटी का सीरीज होंगे उसमें आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा ठीक है और, और साथ ही बता दें कि जिसका आंसर जो है नहीं मिलता है तो आप यहां से डायरेक्ट यूट्यूब कर सकते हैं या गूगल से लिख लीजिएगा करके ठीक है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है हमारे टेलीग्राम पे बीएड ग्रुप चलता है उस पर पी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और लिंक होगा तो हम लिंक इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पी का तो वहाँ से आप डायरेक्ट पी को डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम यहाँ से आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा बी ग्रुप से जुड़ जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाएगा यहाँ आपको सारा चीज़ अपडेट मिलते रहेगा तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अब मिलते हैं नई वीडियो में और अब बाकी सजेशन वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा